हेलो गाइस, पीए टू व्हीलर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं परवेज मैकेनिक। आज का टॉपिक थोड़ा हटके है। आज का टॉपिक है कि बाइक में आग क्यों लगती है, किस कारण से आग लगती है और इसको रोकने के क्या उपाय हैं। ठीक है दोस्तों, तो अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी बाइक स्कूटर में एक वायरिंग होती है, वायरिंग जो हमारे हॉर्न, इंडिकेटर, लाइट वगैरह को करंट पहुँचाती है। ठीक है दोस्तों, और उस वायरिंग में करंट आता है बैटरी से। एक पावरफुल बैटरी होती है जो कि सेल को भी चलाती है, हमारे इंजन को स्टार्ट करती है, एक पावरफुल बैटरी। तो हमारे बाइक स्कूटर में कंपनी ने हमारी बाइक की सेफ्टी के लिए, हमारी वायरिंग की सेफ्टी के लिए उसमें एक फ्यूज़ दिया है, उसमें फ्यूज़ देकर रखती है। ठीक है गाइस, तो वो फ्यूज़ का क्या काम है? जब हमारी वायरिंग कहीं से डैमेज हो गई या शॉर्ट हो गई तो वो फ्यूज उड़ जाता है और हमारी वायरिंग भी सेफ रहती है। ठीक है गाइस, तो अक्सर आपने देखा होगा कि आप किसी मैकेनिक भाई के पास गए या हमारा फ्यूज उड़ गया, ठीक है, या ख़राब हो गया, तो अक्सर हम क्या करते हैं, उस फ्यूज हमारे पास नहीं है तो हम उसको डायरेक्ट कर देते हैं। तो जब हम उसको फ्यूज को डायरेक्ट कर देते हैं, हमारी बाइक चलती है, कोई समस्या नहीं आती। लेकिन बाई चांस कभी भी अगर आपकी वायरिंग कहीं से शॉर्ट होती है, कहीं भी आपकी वायरिंग अगर शॉर्ट होती है तो आपकी वायरिंग में आग लग जाएगी, क्योंकि फ्यूज तो डायरेक्ट है, वो नहीं उड़ेगा। आपकी बाइक में आग लग सकती है, उसमें रबड़ पार्ट्स हैं, प्लास्टिक के पार्ट्स हैं, उसमें आग लगेगी, पेट्रोल पाइप में आग लगेगी, पूरी बाइक में आग लग जाती है। अक्सर देखा होगा आपने, इसी कारण से लगती है आग। तो ध्यान रखना आपको ज़रूर कि अपनी बाइक के अंदर फ्यूज का होना बहुत ज़रूरी है, उसको डायरेक्ट मत करें, ना करवाएं। और एक्स्ट्रा फ्यूज कंपनी देती है, उसमें अगर बाई चांस फ्यूज ख़राब हो गया तो एक्स्ट्रा ले सकते हैं आप, बाज़ार से मिलते हैं फ्यूज, तो इसका आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। अक्सर बाइक में आग इस कारण से लगती है, फ्यूज़ के ना होने से, डायरेक्ट होने से, तो आपको इसका ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है। हमारी बाइक के अंदर फ्यूज का होना सही बहुत ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं बाइक की वायरिंग। अगर वायरिंग कहीं से ख़राब हो गई है या कट चुकी है या डैमेज हो चुकी है, उसको चेंज कराएं। ठीक है गाइस, तो उसको ज़रूर चेंज कराएं। ठीक है, तो अब बात करते हैं बाइक के कार्बोरेटर की। हमारा जो कार्बोरेटर है वो हमारी वाहन को, हमारे इंजन को, वाहन के तेल पहुंचाने का काम करता है। उसमें तेल जमा रहता है उसके निचले भाग में, कार्बोरेटर के उसमें 50 ml के करीब तेल रहता है। और कभी कभी बाय चांस कोई कचरा वगैरह आ जाता है तो हमारी बाइक, देखा होगा आपने अक्सर, ओवरफ्लो हो गई, उसमें नीचे एक कार्बोरेटर में एक पाइप दे रखती है कंपनी, जिससे कि अगर हमारी बाइक ओवरफ्लो हो चुकी है तो वो जो पेट्रोल है वो उसमें नीचे को बाहर निकल जाए। तो बाई चांस ये होता है कि वो पाइप हमारा ख़राब हो गया है या किसी ने निकाल दिया है, अक्सर होता है। तो जब हमारी बाइक चलती है और गर्मियों के टाइम अक्सर वो पाइप नहीं है, इंजन कुछ तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है गर्मियों में, और कुछ वो पाइप नहीं है आपका ओवर फ्लो पाइप, तो जो आपका जो पेट्रोल है वो सीधा आपके इंजन पर टपकेगा और इंजन इतना हीटअप होता है कि उसमें आग लगने के चांस रहते हैं। अधिकतर आग इसी कारण से लगती है, तो हमें ध्यान रखना है हमारी बाइक का, स्कूटर का वो ओवरफ्लो पाइप का होना बहुत ज़रूरी है, उसको हमेशा चेक करें। और पेट्रोल पाइप को भी चेक करें, पेट्रोल पाइप में से डैमेज तो नहीं है। और चेक करें हमारी टंकी कहीं से लीक तो नहीं हो रही है। कभी बाई चांस सीट के नीचे से हमारी टंकी में जर आ जाता है और हल्की लीक होने लगती है, हमें पता भी नहीं चलता, तो उसको भी चेक करें। अब बात करते हैं वेल्डिंग की। सर, हमारी बाइक जब चलती है तो उसमें टूट फूट होती रहती है, तो हमें वेल्डिंग करना पड़ता है। तो आप जब भी वेल्डिंग वाले के पास जाओ तो अपने पेट्रोल को बंद करिए, ठीक है गाइस। और पेट्रोल को बंद करने के बाद जो हमारा कार्बोरेटर है इसमें भी पेट्रोल जमा रहता है, उस पेट्रोल को निकालिए। उसमें एक स्क्रू लगा होता है नीचे, उस स्क्रू को खोल कर उसका पेट्रोल बाहर निकालिए। अगर आप वो नहीं कर सकते तो पेट्रोल को बंद करके आप अपने पेट्रोल को फूंक लीजिए सारा, तब वेल्डिंग कराइए। ये बहुत बहुत अधिकतर चांसेस आग पर लगे रहने लगते हैं, ठीक है दोस्तों, इससे भी आग लगती है।
और अपनी बैटरी के कनेक्शन को भी हटाइए। आपकी जो बैटरी है वेल्डिंग कराते समय उसके जो दो उसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दो वायर होती है तो उनमें से एक वायर को निकाल दीजिए, ठीक है, तभी वेल्डिंग कराएं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे भी चांसेस बने रहते हैं वेल्डिंग इसमें बाइक में आग लगने के। और अपने मैकेनिक भाई को सलाह दूंगा कि अगर आप बाइक में काम कर रहे हैं तो कोई स्मोकिंग ना करे, स्मोकिंग करने से रोके आसपास, ना खुद स्मोकिंग करे बाइक का काम करते हुए, क्योंकि पेट्रोल होता है कभी भी आग लगने का खतरा रहता है। अक्सर शिकायत मैंने सुना देखा है कि उसमें मैकेनिक के यहाँ आग लग गई या भाई के उसके मैकेनिक के यहाँ बाइक में आग लग गई, तो ये अक्सर आग लगने के कारण बने रहते हैं, तो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। और अब बात करते हैं हम बाइक को जब हम चलाते हैं, अक्सर गर्मियों में बाइक को लगातार ना मत चलाएं, लगातार 100 किलोमीटर लगातार अगर बाइक चलाते हैं तो बहुत गर्म हो जाती है, एक तो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है गर्मियों में, तो हमेशा बाइक को रेस्ट दें थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ कारण है जो जिनसे आपके बाइक में वाहन में आग लगती है, तो ये मैंने आपको बताएं। तो ये एक वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करिए कि आप तक किसके काम आ जाइए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है गाइस।